मैं आपको ये मखनी ग्रेवी आपको बनाना बता देती हूँ। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये देखिए आप, दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली हैं, ये वाली प्याज को हमने काट लिया है, छह मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, और चार से पांच मैंने धनिए की स्टेम ली हैं, इनको भी ले लिया है हमने इसके पत्ते हटा के, 20 मैंने काजू लिए हैं, एक तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, तीन लौंग ली हैं, दो हरी इलायची हैं छोटी, नमक है स्वाद के अनुसार, ऑयल हम 1.5 टेबल स्पून यूज करेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑयल ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और इसको एक बार मिक्स करेंगे। सब कुछ हम साथ में ही डाल देंगे, गैस को स्लो टू मीडियम कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही प्याज हल्का सा सौते होगा हम इसमें टमाटर और ये धनिए की डंडियां ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। तो अब ये टमाटर हमने डाल दिया है, इसके साथ हम डालेंगे काजू। ये ग्रेवी आप बनाकर देखना, बहुत ही बढ़िया और स्मूथ बनती है। इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए हम यूज करने वाले हैं, ये आप यूज कीजिएगा 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि अच्छा सब्जी में कलर आए, और इसको करेंगे मिक्स। और बहुत आसान है ये बनाना, ये हमने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे से, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितना आसान है, बहुत देर भूनना नहीं है, बस जल्दी से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसको कवर कर देंगे, पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि टमाटर का भी इतना पानी है, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं, हम बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाएंगे, टमाटर जब तक बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए पानी भी है और ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए मैश होना शुरू हो गया है टमाटर, बट कुछ अभी भी सख्त हैं। तो हम इसको थोड़ा सा देर और पकाएंगे, ये देखिए जब ये बिल्कुल मैश होने लगे ना, बस तब समझिए कि हमारा ये मसाला जो है वो तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए मैश होना शुरू हो गया है, तो 7-8 मिनट हमें टोटल हो गए हैं, एक दो बार हमने बीच में चलाया है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, आप कहीं भी इसके चंक्स नहीं देख रहे हैं टोमेटो के, बिल्कुल अच्छे से ये सारा मैश हो गया है। तो अब हम करते हैं गैस को ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो खड़े मसाले हैं उनको हम निकाल लेंगे बाहर, जैसे तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग अगर रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, पर बड़ी इलायची और तेज पत्ता हम इसमें से निकाल लेंगे, और इसको ठंडा होने की इंतजार करते हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए ये पीसने के बाद ना ऐसे स्मूथ पीस गई है। मैंने इसमें से क्या है, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग ये निकाल दी, एक लौंग और एक हरी इलायची मैंने इसमें रहने दी, और इसको इस तरह से महीन एकदम बारीक एकदम स्मूथ इसको पीस लिया है बिना पानी डाले। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने लिया है ये ऑयल, थोड़ा बटर, एक टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे, जैसे आप सूप बनाते हैं ना, और सूप को थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी करें,
बट अगर आपको होटल स्टाइल सब्जी बनानी है तो थोड़ा स्मूथ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है कॉर्नफ्लावर का पेस्ट, और ये लिया है हमने रेड चिली पाउडर जो हम फिर यूज़ करने वाले हैं। तो आइए ये नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल, ये ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच हमने बटर ले लिया है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें डालेंगे हम ये अदरक लहसुन पेस्ट। गैस को मैंने ऑफ कर रखा है, और ताकि मसाला जो है, ये पेस्ट जो है वो जले नहीं। और इसी में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची। गैस को बंद रखिएगा, ये देखिए अच्छा कलर आएगा इसमें। और इसमें जो हमने घोल बनाया था कॉर्नफ्लावर वाला वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं गैस को ऑन करूंगी। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा ये कलर आ रहा है, और ये थिक करता है ग्रेवी को। आप किसी भी ग्रेवी को थिक बनाना चाहें तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ये ग्रेवी, जो हमने पीस के रखा है ना मसाला, वो डाल देंगे हम। ये हमने सारा निकाल लिया है, और अब हम मिक्सी में भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। जो ग्रेवी हमने पीसी है ना, आप उसको छान भी सकते हैं। अगर बहुत स्मूथ करना है तो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से भी, आप घर में बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइए। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और आधा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे, बहुत ही कम, ये मीठी नहीं, बस इतना, इतनी सी चीनी हम इसमें डाल रहे हैं। और देखिए अभी ये बहुत थिक है, देख रहे हैं ना कितनी थिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, जितना हमें ग्रेवी बनानी है उतना हम इसमें पानी डालेंगे। इसको मिक्स करके देख लेंगे, तो इस टाइप की ये हो गई है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक स्लो गैस पर पकने देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें हम अब डालेंगे क्रश करके 1 टीस्पून मेथी, कसूरी मेथी, और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर, क्योंकि ये मक्खनी है, मक्खनी ग्रेवी है, तो इसमें हम अच्छे से डाल रहे हैं बटर और इसको कर रहे हैं मिक्स। थोड़ी देर हम इसको बॉईल करेंगे और ये हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार है। ये देखिए, अब ये देखिए कितनी बढ़िया ये ग्रेवी बनकर तैयार है। तो आप इसमें, आप एक तो लाल टमाटर लीजिए, बिल्कुल वो मत लीजिए जो देसी टमाटर आते हैं, खट्टा आता है, जो सैलेड वाला टमाटर आता है वो लीजिए। और इसको अच्छे से आपको भूनना है, फिर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए थिक उतना ही उसमें पानी मिलाइए। इस स्टेज पर अगर आप थोड़ा पानी मिलाना चाहते हैं तो हमेशा उबला पानी मिलाइए, और ये ग्रेवी बनकर तैयार है। जो भी आप सब्जी बनाना चाहें, आप मक्खनी पनीर बना सकते हैं, मक्खनी मटर बना सकते हैं, मक्खनी कोफ्ते बना सकते हैं, जो भी मक्खन वाली चीज बनाना चाहें वो इसमें बनाइए। मैंने आपको ये ग्रेवी बनाना बता दिया है, इसके बाद मैं इसमें कैसे सब्जियां बनेंगी वो भी बताऊंगी। और इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद आप फ्रीजर में स्टोर करके रख दीजिए, और जब आपको जरूरत है रूम टेम्परेचर पर करिए, बाहर निकालिए रूम टेम्परेचर पर करिए, और दोबारा से कैसे तड़का लगाना है मैं नेक्स्ट सब्जियों में आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।